एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको सिंपल सूट की सिलाई करना बताऊंगी। बहुत ही आसान है सिंपल सूट की सिलाई करना। तो ये हमारी फ्रंट वाली जो पार्ट्स है नेक की, ये हमारी कंप्लीट है, नेक बनी हुई है। और बैक वाले पार्ट्स में भी हमारी ये नेक बनी हुई है। तो ये फ्रंट वाले में हमें सिंपल सा डिजाइनिंग है और बैक वाले में हमें ये गोल्ड डिजाइनिंग है। तो हमें सबसे पहले क्या करना होगा, शोल्डर ज्वाइंट करना होगा। तो कैसे ज्वाइंट करेंगे, तो देखिए ये फ्रंट और बैक दोनों को मिलाएंगे, हाफ हाफ इंच पकड़ते हुए इस पर सिलाई लगा लेंगे। फ्रेंड्स, ज़्यादा नहीं पकड़ना, हाफ हाफ इंच ही पकड़ना है। देखिए ये मैं हाफ हाफ इंच पकड़ते हुए ये एक साइड के शोल्डर ज्वाइंट हो गई। अच्छे में इसी तरह से दूसरे साइड का भी ये बराबर करना है और दूसरी साइड के भी शोल्डर को ज्वाइंट कर देना है। तो हमारी ये दोनों शोल्डर ज्वाइंट हो गए। अब हमें क्या करना होगा, बॉडी फिटिंग करनी होगी। तो बॉडी का जितना आपका फिटिंग का मार्किंग होगा उतना ही पे आप निशान लगाएंगे, मार्किंग कर लेंगे, उसी निशान पे इसे फिट कर लेंगे। फ्रेंड्स, अब आप इसे क्या करेंगे, ये जो हमने फिटिंग किया है शोल्डर, अब यहाँ से इसे इस तरह से अंदर करके इसे आप हेम कर लेंगे बैक वाले पार्ट्स की। अब चलते हैं इसकी फिटिंग कर लेते हैं। फ्रेंड्स, ये जो हमारी फिटिंग के निशान है, इसी निशान पे हमें क्या करना है, स्टिचिंग करनी है। तो चलते हैं ये स्टिचिंग करके दोनों साइड बॉडी फिटिंग कर लेते हैं। तो बिल्कुल निशान पे हमें फिटिंग करते जाना। तो जितना आपका साइज होगा उतना ही पे फिटिंग करेंगे मार्किंग करके। तो फ्रेंड्स, ये हमारी एक साइड की फिटिंग हो गई। इधर की साइड से इसे मुड़ाएंगे, देखिए इस तरह, इधर की साइड से ये धागे को कट कर लेंगे। सेम इसी तरह से क्या करेंगे, दूसरी साइड की भी बॉडी फिटिंग करके रेडी करते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारी दूसरी साइड भी जो फिटिंग की जो निशान है इसी पे हमें फिटिंग करनी है। तो सारे पे हमें इसी तरह से ये फिटिंग करके रेडी कर लेना है बॉडी। दोनों साइड की हमारी ये फिटिंग हो गई। अब हमें क्या करना है, चाक बनाना है, बाजू फिटिंग करनी है और आर्म होल में लगा लेना है। फ्रेंड्स, हमने दोनों बाजू फिटिंग कर ली हैं। अब चलते हैं आर्म होल में लगा लेते हैं। तो ये जो हमने क्या करते, पहले राइट साइड वाला लगाएंगे। तो यहाँ से ये जो हमारी सिलाई, बॉडी की सिलाई के सेंटर और ये बाजू की सिलाई के सेंटर, ये दोनों सेंटर को हमें मिलाना है और अंदर की तरफ इस तरह से करते हुए हाफ हाफ इंच पकड़ते हुए ये बाजू अटैच करते जाना है। तो चलते सारे में ये बाजू अटैच करके ये रेडी कर लेते हैं आर्म होल में। हाफ हाफ इंच पकड़ते हुए इसे अटैच करते जाना है बाजू। देखिए बिल्कुल हाफ हाफ इंच ही पकड़ना है, ज़्यादा नहीं पकड़ना है। ये सारे को अटैच करके रेडी कर लेते हैं इस तरह। ये हमारी एक बाजू अटैच कर लेते हैं, इसी तरह से दूसरा बाजू भी अटैच कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, ये हमने राइट साइड का ज्वाइंट किया था, अब लेफ्ट साइड का भी ज्वाइंट कर लेते हैं। तो ये जो हमारी आगे की तरफ से देखिए हाफ इंच ये बाजू में कट है, तो इसे ये जो हमारी सिलाई के सेंटर है, ये बॉडी की सिलाई के सेंटर और ये बाजू की सिलाई के सेंटर, ये दोनों सेंटर को हमें मिलाना होता है। ये देखिए बिल्कुल बराबर करके मिला लिया। अब अंदर की तरफ से इसे हाफ हाफ इंच पकड़ते हुए दूसरी बाजू भी सेम उसी तरह से अटैच करते जाएंगे। तो सारे चारों पिंच पकड़ते हुए ज्वाइंट करते जाएंगे बाजू। ये हमारी अब दूसरी बाजू भी ज्वाइंट हो गई। तो हमारी बाजू हो गई दोनों कंप्लीट रेडी ज्वाइंट होकर। तो फिर देखिए कितनी फिनिशिंग से हमारी ये दोनों बाजू लग गई है। अब चलते हैं इसका चाक बनाकर रेडी कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, चाक हमें अंदर की तरफ से इसे हाफ हाफ इंच से फोल्ड करनी है और ये चारों तरफ इसे स्टिच करके रेडी करते जाना। तो चलते हैं इसे स्टिच करके हाफ हाफ इंच अंदर की तरफ फोल्ड करके रेडी करते जाएंगे। तो इसी तरह से अंदर की तरफ हमें इसे फोल्ड करते जाना है और इसके ऊपर से ये स्टिच करते जाना है, यानी कि सिलाई लगाते जाना है। चाक से हाफ हाफ इंच ही हमें फोल्ड करनी है, ज़्यादा नहीं करना है। ज़्यादा करने से फिर चाक आपकी फिनिशिंग नहीं बन पाती है। तो देखिए इस तरह, फिर इधर की साइड हमें मशीन को घुमाना होगा, इस तरह ये चाक को घुमाना है। फिर इधर की साइड ये अंदर की तरफ हाफ इंच फोल्ड करना है और इधर भी सिलाई लगाते जाना है इधर की साइड। फिर इधर की साइड चाक को घुमाना है, फिर इधर भी सीधा हमें सिलाई लगाते जाना है। चलते सारे के लिए सिलाई लगाकर रेडी करते जाएंगे, देखिए इस तरह। तो हमें चारों तरफ इसी तरह से ये फोल्ड करते हुए इसे रेडी करते जाना है चाक। तो इसी तरह से हम चारों तरफ फोल्ड करते हुए इसे रेडी करते जाना है। देखिए इसका अंदर की तरफ हाफ इंच ही फोल्ड करना है और चौड़ाई भी हमें हाफ इंच ही ये रखनी है। इधर साइड में हमें ये जो चाक है इसे इधर की साइड ये चाक को मुड़ाना है, फिर
फिर इधर साइड भी हमें सीधा एक सिलाई लगाना है अंदर की तरफ, इसे फोल्ड करते हुए इधर की साइड इस तरह, फिर हमें इधर की साइड लाना है और फिर इधर हमें सीधा सिलाई और हाफ हाफ इंच अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए इसे सिलाई लगाते जाना है। तो फिर हमें एक सिलाई लगा करके इसे रेडी किया, और हमें दूसरी सिलाई लगानी है तो वो बिल्कुल इसके किनारे किनारे दूसरी सिलाई लगा कर रेडी करते जाएंगे। तो दूसरी सिलाई के किनारे किनारे ये लगा कर रेडी कर लेते हैं, बिल्कुल किनारे किनारे में हमें ये दूसरी वाली भी सिलाई लगाते जानी है। फिर इधर की साइड मुड़ाना है, देखिए इधर की साइड, और फिर इधर भी हमें सीधी सिलाई लगाते जानी है इस तरह। तो चारों तरफ इसको इसी तरह से सिलाई लगा कर रेडी कर लेते हैं चार। फिर हमें इधर की साइड मुड़ाना है और फिर इधर भी किनारे किनारे ये सिलाई लगाते जाना है। फिर हमें इधर की साइड मुड़ाना है, इधर की साइड, फिर इधर भी सीधी हमें सिलाई लगाते जानी है, देखिए इस तरह। तो चारों तरफ इसी तरह से ये सिलाई लगा कर रेडी कर लेते हैं। इधर की साइड ये चाक को इधर की साइड मिलाना है और इधर से सीधी सिलाई लगाते जाना है, बिल्कुल किनारे किनारे सिलाई लगाना है। तो फ्रेंड्स हमारी ये चाक भी बनकर रेडी है, हमारी ये सूट हो गई कंप्लीट रेडी। अब चलिए मैं आपको इसकी पूरी व्यू दिखाती हूँ कि हमारी सूट सिलने पे कैसी बनी है। तो फ्रेंड्स देखिए कितनी फिनिशिंग थी, हमने सिंपल सा सूट रेडी कर लिया। तो फ्रेंड्स आपको ये सूट की सिलाई की वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। बहुत आसान तरीका से ये सिंपल सूट की सिलाई सीख सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज की सूट की सिलाई की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को करनी है एक लाइक, अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम आया तो चैनल को करना सब्सक्राइब एंड शेयर। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।